सभी लोग आए और अंकिता जी को न्याय दिलाने के लिए। और शायद हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी, मगर हम एक काम ज़रूर करेंगे कि हमारा एक संगठन है महापद ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटर एसोसिएशन, इसके द्वारा हम दिल्ली के समाज के घर घर जाएंगे और उसके लिए ये मांग करेंगे और ये कहेंगे कि अगर आप एकजुट होंगे तो शायद आने वाले समय में हमको इस पीड़ा से दोबारा आमना सामना नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अपने संगठन के माध्यम से, अपने तमाम दिल्ली के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तमाम सामाजिक संगठन हमारे साथ हैं। माननीय बाबूलाल सेन ने भी कहा कि लखनऊ में उन्होंने आश्वासन दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम तमाम संगठनों से कहेंगे कि जब तक हम लोग एक साथ नहीं आएंगे हमको कुछ नहीं मिलेगा। और रही बात हमारी भीड़ की, तो हम ये मानते हैं कि ठंड का मौसम था, समय कम था, जो भी लोग आए वो बहुत लोग आए और सब संगठित हैं। और आगे आने वाले समय में हम ये चाहेंगे कि हमारा एक नेतृत्व हो, जैसे बाबूलाल सेन गाजियाबाद में काम कर रहे हैं, तो हम जरूर कहेंगे कि बाबूलाल सेन के साथ हम गाजियाबाद में भी कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे। और रही दिल्ली के अंदर, तो हम बिल्कुल भाई जयकिशन ठाकुर जी के साथ कंधे से कंधे मिला के, हमारा संगठन पूरी तरह उनके साथ है। जहाँ भी जिस तरीके की लड़ाई होगी हम उनके साथ काम करेंगे, और आगे भी ऐसा नहीं कि हम इसी संगठन इसी में काम करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में एक नेता और नेतृत्व की बड़ी मोटी कमी है। तो हम जरूर कहते हैं हमारे अपने MCA के जितने लोग हैं, और हम MCA के साथ आज दुख की घड़ी, क्योंकि ये दुख की घड़ी है, और इस दुख की घड़ी से इस मंच के द्वारा क्यों कि हमारा कोई बोलने वाला चाहिए, हमारी बात को आगे उठाना वाले चाहिए, एक नेता चाहिए जो हमारा नेतृत्व कर सके। तो हम इस मंच के माध्यम से और इस दुख की घड़ी से हम, मैं MCA की तरफ, ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी की तरफ से ये बिल्कुल ही पूर्ण आश्वासन दिलाते हैं जयकिशन ठाकुर जी को कि आप के साथ पूरा MCA आपके साथ है, और हम दिल्ली का अपने ठाकुर साहब को नेता मानने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध हैं। ये बिल्कुल हम भावुकता में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत है आज, क्योंकि बिना जरूरत के कोई काम नहीं होता। साथियों, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, सेन समाज, सेन समाज। आज बड़े दुख का विषय है, जंतर मंतर पर भाई जयकिशन ठाकुर जी के नेतृत्व में जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं, आज अंकिता एक दूधमुही बच्ची, छोटी बच्ची जो 5 साल 6 साल की, जिसके साथ ऐसा घिनौना कार्य कुछ लोगों ने किया, इंसाफ ना मिलने पर जिन्होंने दूधमुही बच्ची का कत्ल करके दबाने का काम किया, उसके लिए इंसाफ ना मिलने पर आज सेन समाज के लोग बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर भाई जयकिशन ठाकुर जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, यूपी से गाजियाबाद जिले से मैं हूँ, भारतीय सेन समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ चलकर हमारे प्रदेश के महासचिव मास्टर वीर सिंह जी भी आए हैं, मेरे साथ गाजियाबाद जिले के जिला अध्यक्ष भाई चमन सिंह जी भी आए हैं, और MCA के जिला अध्यक्ष भाई सतीश कुमार सेन जी भी हैं। हमारे गाजियाबाद जिले में एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, वह भी समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, श्री सरजीत सिंह खंडसाल जी, वो भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ चलकर आए हैं। हमारे साथ चलकर गाजियाबाद से विजय कुमार जी, जितेंद्र जी जो पत्रकार संपादक पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में पिंटू सेन जी, बड़ी संख्या में लोग गाजियाबाद से आए हैं। साथियों,
ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ पर हम एक न्याय के लिए, यहाँ पर एक अपनी बच्ची के साथ अत्याचार और उसके साथ जो उसको ऐसा घृणित कार्य करके उसको कत्ल करने का काम किया है, दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई राजस्थान सरकार नहीं कर पा रही है, जिसलिए हमें यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठा होने की जरूरत पड़ी है। आज हमारे समाज के जो लोग आए हैं वो लोग कम नहीं हैं, क्योंकि वो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन में पदाधिकारी हैं, उनके साथ काफ़ी संख्या उनके पीछे है। परंतु आज हमने जो जैक्सन ठाकुर जी ने जो आह्वान किया था, उनके आह्वान पर जो जनप्रतिनिधि, जो जिम्मेदार लोग हैं, वही लोग आज यहाँ पे आए हैं। उनके माध्यम से यहाँ हम लोग एक अपने इस न्याय दिलाने के लिए उनसे विचार विमर्श करेंगे, विचार गोष्ठी करेंगे और जो आगे की रणनीति बनेगी उस पर काम करेंगे। साथियों, हम लोग कम नहीं हैं, पूरे भारतवर्ष में लगभग 4% जितने भी संगठन बने हैं उनको एक मंच पर ला करके, एक ताकत बना करके अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हमें सहयोग भी मिल रहा है। लखनऊ में MCA की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर मुझे और जैक्सन ठाकुर जी को जाने का मौका मिला और हमने अपने माध्यम से वहाँ आवाज़ उठाई कि जो हमारे संगठन नए नए बने हुए हैं, चाहे सैन सविता के नाम से हो, चाहे नाई महासभा के नाम से हो, भारतीय सैन समाज के नाम से हो और हमारा MCA के नाम से हो, ये सारे संगठन एक मंच पर जिस दिन आ जाएंगे उस दिन कोई ताकत हमें अपनी मांग पूरी करने के लिए रोक नहीं सकती। जो हम मांगेंगे वही मिलेगा और कोई राजनीतिक पार्टी के किसी भी नेता में इतनी ताकत नहीं है कि हमारी मांग को ठुकरा दे। परंतु हमें एक शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा, उसके लिए जल्दी ही हम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं, जो कि अप्रैल में हमने उस संगठन के बात रख दी है और हमारे सब लोग समर्थन दे रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर क्योंकि हम राजनीतिक कार्यक्रम नहीं लेकर चले हैं, सामाजिक संगठन के माध्यम से अपने लिए न्याय मांगने की बात कर रहे हैं और हम आज जैक्सन ठाकुर जी बैठ करके इनसे बात करेंगे, जो भी रणनीति भाई जैक्सन ठाकुर जी तय करेंगे हम उस संगठन उस रणनीति के तहत उनका साथ दे करके यहाँ से लेके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री और जो भी जहाँ भी जाने का हमें ये आह्वान करेंगे, हम इनके साथ चलेंगे। राजस्थान में घिनौना अपराध हुआ। साथियों, आज से कुछ समय पहले जब दिल्ली में भी जब यह आवाज़ उठी थी, तब भी पूरा भारतवर्ष एक होकर इस आवाज़ में अपनी अपनी उपस्थिति लगाई थी और ऐसे अपराध जो होते आ रहे हैं इसके लिए सरकार तो जिम्मेदार है और साथ में हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। मुझे याद है उस वक्त का वाक्य था, दिल्ली में कोटला मुबारकपुर में एक छोटे से बच्चे के साथ एक बस ड्राइवर ने, एक मारुति वैन के ड्राइवर ने अपराध किया था। उस वक्त मैंने शीला दीक्षित जी को एक पत्र लिखा था कि शीला दीक्षित जी, आपसे एक निवेदन है कि आप गैर राजनीतिक कमेटियां बनाएं, क्षेत्र वाइज गैर राजनीतिक कमेटियां। हमारे मोहल्लों में जो बुज़ुर्ग जो सड़कों पे बैठकर अपना टाइम पास करने के लिए ताश खेलते हैं, उनको उन कमेटियों में लें, क्योंकि उनकी आंख, कान, नाक सभी पर रहती है कि कौन क्षेत्र में आपराधिक व्यक्ति है और कौन इसमें ठीक व्यक्ति है। तो हमने कहा था कि अब राजनीति को छोड़कर गैर राजनीति कमेटियां बनाएं। उनका जवाब भी आया कि बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात को ध्यान दिया जाएगा। मगर उसके बाद सरकार बदल गई, नए चीफ मिनिस्टर साहब आ गए, उनको भी लिखा था, मगर एक बात समझ नहीं आती हमें कि प्रोफेसर भीम सिंह जी एक ही बात कहते आए हैं कि
जो भी इस गोल भवन में जाता है, चाहे वो संसद का हो, चाहे वो निगम का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, अंदर जाने के बाद, जीत के जाने के बाद सभी को भूल जाता है। और यही बात हम सभी ने कही कि 70 वर्ष होते हो गए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ शोषण किया जा रहा है, शोषण भी राजनीति शोषण। जी हाँ, हम सबको पता है कि मात्र 13 से 15 दिन की जो एक मेला लगता है, चुनावी मेला, जिसमें उम्मीदवार जीतने के बाद, जीतने से पहले 15 दिन तो हम सबको खूब लॉलीपॉप देता है सब चीज़ें, और उसके बाद जीतने के बाद हम उनसे मिल भी नहीं सकते। ऐसा ही वाक्या सबके साथ होता है और हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। नेशनल पैंथर्स पार्टी, हमारे प्रोफेसर भीम सिंह जी का एक ही मकसद है, समता, समानता, एकता, शांति और उन्नति। अन्याय जहाँ भी हो रहा हो, वह न्याय की अधिकार, न्याय व अधिकार की जंग, आओ मिलकर लड़े आप और हम, यही हमारा उद्देश्य है। और इस लड़ाई को हम, जैसे हमारे साथीगण सब मिलजुल कर करेंगे, और हम उनके साथ हैं, नेशनल पैंथर्स पार्टी पूरा इनके साथ है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज बड़े ही दुखद समस्या को लेकर देश के नामी गामी और धरना स्थल के रूप में चर्चित जंतर मंतर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। यह इस देश के लिए दुर्भाग्य है, जहां हम एक मासूम को रोटी, उसे शिक्षा और उसी सुरक्षा के लेकर के इस जंतर मंतर पर राजस्थान प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, उससे मांग कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे मालिक, मेरे भगवान, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान में प्रावधान किया था कि देश की कोई भी सरकार आए, राज्य सरकार हमें सुरक्षा देने के लिए बाध्य है। लेकिन सरकारी और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से देश प्रदेश की आम जनता सुरक्षित नहीं है। इसका कारण क्या है? इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं। क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो हम नोट पर बिक जाते हैं। मेरे दोस्त, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि यदि आप नोट लेकर वोट दोगे तो उसका परिणाम इसी तरह होगे। मेरे दोस्त, मैं यही कहना चाहता हूँ। रह गई बात अंकिता की, अंकिता एक मासूम बच्ची थी, वह सिर्फ अपने माँ बाप की बच्ची नहीं थी या एक नई समाज की बेटी नहीं थी, वह पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व की बेटी थी। क्योंकि बच्चे देश का और विश्व का भविष्य होता है, और आज वह भविष्य अंधकार में हो चुका है। मेरे दोस्त, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे मुंहतोड़, ऐसे असामाजिक और ऐसे सामाजिक न्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की, प्रदेश की सरकार हो या भारत सरकार, केंद्र सरकार की, मोदी की सरकार हो, किसी भी सरकार के लिए इस तरह की घटना शोभनीय नहीं होती है। ऐसे सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मेरे दोस्त, हम जब भी किसी भी कार्य स्थल पर पहुंचते हैं, चूँकि हिंदुस्तान के हर नागरिकों के खून में राजनीतिक खून में ही राजनीतिक का प्रवेश हो चुका है, हम जहां भी जाते हैं कुछ न कुछ राजनीतिक बात आती है और हम लोग भी राजनीति से जुड़े होते हैं। रह गई बात कि राजनीतिक दल है क्या, तो राजनीतिक दल की बात हम लोग जब चलते हैं तो 1980 से पहले जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि विश्व का दूसरा राजनीतिक दल हो गया, 1900 पहले का अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो यही हिंदुस्तान में उसे 2 MP नहीं हुआ करता था। मेरे दोस्त, मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि यदि आप संगठित होगे, संघर्ष करोगे, हिम्मत रखोगे, हौसला रखोगे, तो आने वाला समय में आपकी सरकार होगी और आप सरकार में होंगे।
मैं भी एक संगठन, एक राजनीतिक दल के रूप में एक संगठन बनाया हूँ जिसका नाम न्याय सेना है। मेरे दोस्त, मुझे संगठन बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता भाई जयकिशन ठाकुर साहब ने आपसे बोला कि मैं विगत वर्षों 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेकर अपनी शर्ट खोलकर देश प्रदेश की फटेहाली को उजागर किया था। उस समय मैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी दिल्ली प्रदेश का लीगल सेल का चेयरमैन था। जब इस कार्यक्रम को, इस हमारे न्यूज़ को टोटल इलेक्ट्रॉनिक से प्रिंट मीडिया ने कवर किया तो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी को दिल्ली प्रदेश यूनिट को भंग कर दिया। मेरे दोस्त, मुझे लगा कि जब हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता किसी राजनीतिक दल में जाएगा और वहाँ अगर वो फ्रीडम की तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर वो आकलन करेगा, अपने फंडामेंटल राइट का यूज करेगा, तो उसे राजनीतिक दल से दरकिनार कर दिया जाएगा। तो मुझे लगा कि मेरे जैसे लोगों को लालू प्रसाद यादव की या किसी अन्य राजनीतिक दल में जगह नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं किसी नेताओं का चमचा नहीं बन सकता हूँ। तो मैंने एक अपना संगठन बनाया, न्याय सेना। मेरे दोस्त, रह गई बात, आपके सामने बहुत सारे मीडिया लोग आते हैं, मुझे देश के नामी गामी चैनलों ने अपने स्टूडियो में बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया, लेकिन वह पब्लिश नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कुछ चैनलों वालों के पता किया कि भाई मेरा इंटरव्यू लिया लेकिन तुम देश के सामने उसको पब्लिश नहीं किया। उसने कहा, वकील साहब, मैंने आपसे सिर्फ इंटरव्यू लिया हूँ, कोई पैसा नहीं, मैं आपके न्यूज को पब्लिश करता हूँ तो हमारे चैनल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। मेरे दोस्त, मुझे यह सुनकर बहुत तकलीफ महसूस हुआ। मैंने जाकर टीवी चैनल के जो चीफ ब्यूरो था उसके कार्यालय में उसकी पिटाई कर दी। मैंने कहा कि अब तुम हमारे न्यूज को पब्लिश करो। उसके बाद मैंने एक अपनी मैगजीन निकाला, जगत परिक्रमा करके, उस मैगजीन के माध्यम से मैंने देश प्रदेश की सरकारों की आलोचना करना शुरू किया। मेरे दोस्त, यह रह गई बात कि मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ हम अपने बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि आज हमारे इस मंच पर हमारे भाई राजीव जोली खोसला साहब, जो दिल्ली प्रदेश नेशनल पैंथर्स पार्टी के दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हैं, भाई जयकिशन साहब जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और जयप्रकाश जनता दल, नेशनल अपनी पार्टी, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, अगर हम लोग संगठित हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं रहेगा कि हमें से ही, हमारे बिरादरी से ही, हम में से ही कोई नौजवान इस संसद भवन में हमारी बात को रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बात आपसे अनुरोध के साथ और आह्वान करता हूँ कि अंकिता जैसी अगर कोई घटना आपके बीच आया है और आप आज यहाँ आए हैं, हमारे संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत आप में से कोई भी एक भाई अगर मेरे साथ आ जाए, वह राजस्थान का टोंक जिला का हो, तो मैं इस बात का वचनबद्ध हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फ्री ऑफ कॉस्ट रिट याचिका फाइल करूँगा और उस बच्ची के, उस परिवार के लिए मैं, चूँकि दामनी कांड जो आपके दिल्ली का कांड था, उस कांड का इतिहास को दोहराते हुए सरकार को कहूँगा कि इस ओबीसी परिवार के लिए सरकार मुआवजा का बंदोबस्त करे और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस देगा। सिर्फ एक कोई व्यक्ति जो इस बात के लिए आगे आना चाहते हैं, मैं उनसे सिर्फ आवेदक बनाऊंगा, टोटल लड़ाई न्यायपालिका में मैं स्वयं लड़ूंगा, उनसे एक रुपये फीस की उम्मीद नहीं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।